अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मदीना शरीफ। दोस्तों सैफ भाई और मैं मदीना शरीफ जा रहे हैं, में जा रहे हैं हम लोग। आपको पूरा सफ़र दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये मक्का का स्टेशन है और ये हमारी एंट्री हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये टिकट काउंटर है लेकिन हमने ऑनलाइन टिकट निकाल ली है, तो अभी हम लोग आगे जाएंगे। बाकायदा पूरा इंतज़ाम है यहाँ पर, एक एयरपोर्ट की तरह दिख रहा है सैफ भाई। सेम लाइक एयरपोर्ट, सेम बट डिफरेंट। प्रेयर रूम भी है तो हम नमाज भी पढ़ लेंगे, हमने क्योंकि ईशा की नमाज नहीं पढ़े भाई अभी। ये पूरा टाइम टेबल दिखेगा आपको। सुभान अल्लाह, कितनी स्पीड है? 300। तो दोस्तों अनाउंसमेंट हो चुका है और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ये ट्रेन है मदीना के लिए। नॉर्मली अगर आप बस में या कार में जाओगे तो 5 से 6 घंटे लगते हैं, पर ये सफ़र सिर्फ 2.5 घंटे का इन द बुलेट ट्रेन। अब आगे चल के आपको मैं और भी चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जा रहे हैं हम लोग अभी। दोस्तों हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, रात के 10 बजे ट्रेन यहाँ से निकलेगी। कोच नंबर 10 देख सकते हैं आप, 9:45 हुआ है अभी। उसका रूट भी आप देख सकते हैं, ये पहले जद्दा वन स्टॉप है, ठीक है। जद्दा का एक जगह और रुकने वाली है, KAEC, फिर मदीना पहुँचेगी, 2 घंटे लेगी। इसकी स्पीड में आप कुछ दिखाऊँगा इंशाल्लाह, 300 पे चलती है इंशाल्लाह, देखते हैं। ये बिजनेस क्लास जो सीट्स होती है ना, माशाल्लाह बहुत ही शानदार। नहीं लग रहा सैंडविच रहेगा भी। पहला स्टेशन आ चुका है जद्दा। नॉर्मली जद्दा आने 2 घंटे लगते हैं, पर ट्रेन में सिर्फ 25 मिनट लगेंगे। जद्दा क्रॉस होने के बाद ही आप स्पीड देख सकते हैं अभी इसकी। तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे में हम लोग मदीना पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। सो कैसा लगा आप लोगों को हाई स्पीड ट्रेन का सफ़र, बुलेट ट्रेन का सफ़र, ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। अब आगे का मदीना का व्लॉग एंजॉय कीजिए।